जी तो गाइस, आज हम जिस वीडियो पे बात करने वाले हैं, जो टॉपिक है हमारा, वो है एरे। अगर आपने एरे की स्कीमा टाइप बनानी है तो वो हम किस तरह बना सकते हैं। तो आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चले जाना है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आने के बाद ये वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक एरे फील्ड्स लेती है, ठीक है। और ये वो ऑप्शंस हैं जो कि हम एरे फील्ड्स के अंदर दे सकते हैं। मैं आपको इस सब के बारे में बताता हूँ ये किस तरह काम करता है। तो ये जो एरे है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये वही मेथड है, आपने टाइटल देना है, नेम देना है, टाइप्स देना है। टाइप्स के अंदर हम क्योंकि एरे को बता रहे हैं तो हम एरे दे देंगे, और ऑफ के अंदर हम उसका जो भी है फील्ड्स वगैरह हम जो बनाना चाह रहे हैं तो उसको बता देंगे। तो यहाँ पे मैं उसको आके पेस्ट कर देता हूँ। मुझे नेम चाहिए, और नेम एरे आपको पता है कि वो जो है ना मल्टीपल वैल्यूज़ को कंटेन कर रहा होता है। तो मुझे एरे स्ट्रिंग चाहिए किसके, नेम की, ठीक है ना। वो मल्टीपल स्ट्रिंग्स मेरे पास आ जाएंगी। अब मैं आपको इसको ब्राउज़र के अंदर जाके दिखाता हूँ। ये मेरा सैनिटी का डैशबोर्ड है, यहाँ पे जो है ना इसको रिलोड होगा। तो रिलोड होने के बाद यहाँ पे आपको आइडिया होगा कि ये एरे किस तरह काम करती है। तो यहाँ पे लोड हो रहा है, ये देखिए मेरे पास डॉक्यूमेंट्स जो है इस टाइम लोड हो रहा है। तो जैसे ये इसकी लोडिंग कंप्लीट होती है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसको। मैं ये देखें, यहाँ पे मेरे पास नेम की एक एरे बन चुकी है। अब मैं मल्टीपल नेम यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। वो कैसे, ये देखें, अब मुझे नेम क्या चाहिए, मैं अपना नेम दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक ये नेम चाहिए, एक मुझे अली नेम चाहिए, ठीक है, और थर्ड मुझे डेविड नेम चाहिए। इस तरह मैं मल्टीपल नेम्स जो है वो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। तो एरे हम इस तरह बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं स्ट्रिंग मैंने पास की है यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर, तो मुझे वहाँ पे क्या दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे अपना कोई रेफरेंस भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था रेफरेंस के बारे में। तो मैं इस स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस ऑफ के अंदर मैं ये पूरा का पूरा रेफरेंस पास कर देता हूँ। अब मुझे एरे जो बनेगी वो किस चीज़ की बनेगी, वो रेफरेंस की बनेगी। अब ये पेज रिलोड होगा तो यहाँ पे फिर आपको आइडिया होगा कि ये रेफरेंस जो है ना, यहाँ पे हमने अभी तक जितनी भी फील्ड्स को डिस्कस किया है, स्कीमा टाइप्स को डिस्कस किया है, वो आप एरे के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं, आप यूआरएल ऐड कर सकते हैं, आप कंटेंट अभी हम इसी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल जितने भी आप फील्ड्स अभी तक डिस्कस कर चुके हैं वो सब की सब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे, अब ये जो यूज़र है ना वो एज अ रेफरेंस मुझे एरे के अंदर दिखेगा। देखें, रेफरेंस टू द यूज़र। अब यहाँ से मैं मल्टीपल जो है वो यूज़र्स भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से जिस तरह मैंने, मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी जितने भी यूज़र्स होंगे, तो वो मैं मल्टीपल ऐड कर सकता हूँ। इस तरह मैंने एक किया, ठीक है, इसी तरह मैं यूज़र क्या कर लूँगा, दूसरा ऐड कर लूँगा, इसी तरह मैं यूज़र दूसरा ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ आप मल्टीपल यूज़र्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ जाते हैं एरे की। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे कि हमने ऊपर, चलें नीचे आ जाते हैं, इसकी एक टाइप होगी हमारे पास, ठीक है, ऑप्शंस के अंदर ये लेआउट है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लेआउट कुछ दे दूँ इस टाइप का, ये मैं इसको दोबारा से मैं स्ट्रिंग कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं स्ट्रिंग कर लेता हूँ, ठीक है। जिस तरह अगर मुझे लाइक टैग्स चाहिए किसी भी चीज़ के, ठीक है, ब्लॉक के अंदर, तो उसके लिए मुझे स्ट्रिंग चाहिए होगी, ठीक है। और उसका जो लेआउट है वो मैं उसका क्या कर दूंगा, टैग्स कर दूंगा। अब टैग्स क्या होगा, वो एक ही लाइन के अंदर मैं मल्टीपल टैग्स को ऐड कर सकता हूँ। तो ये आई थिंक मैंने कॉमा यहाँ पे नहीं ऐड किया, तो आप यहाँ पे मैं कॉमा ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा, और इसको मैं स्कीमा को सेव कर लेता हूँ और अपने फिर ब्राउज़र के अंदर आ जाऊँगा, ठीक है जी। तो गाइस, इस टाइम ये सैनिटी का जो डॉक्यूमेंट है वो लोड हो रहा है। तो ये देखें, ये इस टाइम लोड हो चुका है। तो आपने नीचे आ जाना है, क्योंकि ये आ रहा है इस वजह से आ रहा है क्योंकि बार बार जो है ना मैं एक ही फील्ड्स के अंदर चेंजिंग कर रहा हूँ, तो वो जैसे ही लोड होता है तो वो मुझे एक एरर थ्रो कर देता है। तो आपने घबराना नहीं है, इसको एरर को रिमूव कर देना। अब नेम है तो मल्टीपल, क्योंकि इसकी जो लेआउट था वो मैंने टैग रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे मल्टीपल नेम आप ऐड कर सकते हैं। जिस तरह मेरे पास एक अली हो गया, ठीक है, जुनैर हो गया, ठीक है, और डेविड हो गया। आप इस तरह मल्टीपल नेम्स जो है ना वो आप एक लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने के टैग्स हैं तो आप ब्लॉक के हवाले से उसके टैग्स भी ऐड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।